ड्रैगन टेल तितली। दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। ड्रैगन टेल तितली दो रूपों में आती है, हरा लैम्प्रोपटेरिमिजस और सफेद लैम्प्रोपटेरा कोरियस। ये सर्वेलो टेल तितलियों की प्रजातियां पूरे पेपिलियोनाइट परिवार की हैं और पूरे एशिया में पाई जाती हैं। उनके छोटे कोमल पारदर्शी पंख होते हैं। उनके शरीर के आकार से संबंधित पंखों का एक छोटा सा हिस्सा जुड़ा होता है, इसलिए सर्वेलोटेलस और बर्ड विंग्स की उड़ान बहुत अलग होती है। उनकी तेज स्पिनिंग उड़ान होती है और वे 25 से 40 मिलीमीटर लंबी पूंछ का स्टेयरिंग व्हील के रूप में उपयोग करती हैं, जो उन्हें उड़ान को रोकने में मदद करते हैं और वे अचानक से दिशा को बदल लेती हैं। जब इसकी लंबी पूंछ क्रिया में होती है तो ये एक पतवार के रूप में काम करती है और ड्रैगन फ्लाइज की तरह तेजी से आगे पीछे होती है। ड्रैगन टेल तितली के शानदार पंख 40 से 55 मिलीमीटर लंबे होते हैं। ड्रैगन टेल अन्य तितलियों से दूर उड़ना पसंद करती हैं और उन्हें आमतौर पर दो या तीन तितलियों के छोटे समूह में देखा जा सकता है। ये प्रजाति एक तितली की तरह नहीं दिखती है, यही कारण है कि इसकी ड्रैगन फ्लाई या किसी अन्य कीट को गलती लग सकती है। ये कभी आराम नहीं करती, उन्हें अपने मेजबान पौधे के आसपास उड़ते देखा जाता है और वे बहुत दूर नहीं जाती हैं। लैम्प्रोपटेरा कोरियस प्रजाति को सफेद धारियों से अलग हो सकती हैं और पीछे के पंख ऊपरी तरफ होने से नर के गुदा पाउच में एड्रोसोनिलस स्केल होते हैं, जो लैम्प्रोपटेरिमिटस के नहीं होते। लैम्प्रोपटेरा कोरियस के पंख आमतौर पर एक सफेद पट्टी के साथ काले होते हैं और इसके पीछे के पंखों पर एक लंबी पूंछ होती है। मादा तितली फूलों पर जाती है और नर पानी पीना पसंद करते हैं। पुरुष ड्रैगन टेल्स को अक्सर फिल्टर फीडिंग करते हुए देखा जा सकता है। वो बहुत सारा पानी जिसमें खनिज खुले होते हैं चूसता है और पेट से पानी निकाल सकते हैं, जिसे पंपिंग कहा जाता है। मादा आमतौर पर बड़ी होती हैं और नर की तुलना में उनके पंख बड़े होते हैं। वे भोजन करते समय अपने पंख फड़फड़ाते हैं और जब वे गति में होते हैं तो उनका संवेग क्षणिक विराम से बाधित होता है। कभी कभी वे झाड़ियों की पत्तियों पर आराम करती हैं। ड्रैगन टेल तितली 100 मीटर और 1000 मीटर के बीच ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल वर्षा वनों में अपने अंडे देती हैं। उनका अंडा सपाट, लगभग पारदर्शी, अंडाकार और हरा पीला होता है। ये पत्ते पर अपने अंडे देती हैं। ये आमतौर पर बहुत मजबूत पत्ते पर अंडा देती हैं। ड्रैगन टेल तितलियां अक्सर नदियों, झीलों और झरनों के पास पाई जाती हैं।